अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे वेज मसाला पल्यम। चलिए फ्रेंड्स, किस तरह बनाएंगे देखेंगे हम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर रख लिया है एक बर्तन, उसमें मैंने डाला है 5 से 6 स्पून तक का तेल। तेल डालने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी राई। अब डालेंगे थोड़ा जीरा। डालने के बाद यहाँ पर थोड़ी चने की दाल डाल रही हूँ मैं यहाँ पर डाल के। अब मैं इसमें 2 सूखी मिर्च डाल रही हूँ। करी पत्ता डाल देंगे थोड़ा। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले थोड़ी बीन्स और थोड़ा मटर और थोड़ी कैप्सिकम, हरिया धनिया, कैरेट और एक प्याज को मैंने कट कर लिया है। अब सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। आपके जो भी पसंदीदा वेजिटेबल्स हैं वो आप डाल सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने जो घर पे थे वही डाला है और बहुत मज़ेदार हमारा पल्यम बना था। अब मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। डालकर हम थोड़ा इसे अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि ये जो तरकारियाँ हैं वो थोड़ा नरम होना चाहिए इसलिए। अब थोड़ा अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और 1/2 स्पून यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और दूसरी तरफ मैंने आलू को अच्छे से उबाल कर उसका छिलका उतार कर अच्छे से मैश कर लिया है। अब आलू को भी हम डाल देंगे। डालकर थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पल्यम को हमें रोटी के साथ और या पूरी के साथ या फिर डोसे के साथ बहुत मज़ेदार रहेगा। आप इस तरह बनाकर देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत पसंद आएगा। और मैं यहाँ पर थोड़ा पानी डाल रही हूँ, सूखा अच्छा नहीं रहेगा इसलिए थोड़ा इस तरह होना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा हमारा वेज मसाला पल्यम। तो चलिए, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए फ्रेंड्स। अगर आपको ये आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।